फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। आज फिर मैंने इवनिंग से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि मॉर्निंग में इस समय बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और आज जो है आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, वो कल शाम से और आज सुबह तक का था, यानी 9 बजे तक मैंने जो ब्लॉग बनाया था आप लोगों ने देखा होगा। उसी के बाद फिर दोपहर में मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया और अभी डायरेक्ट मैं इवनिंग से अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मेरा सारा काम तो दोपहर में ख़त्म ही हो जाता है। और अभी मैं एडिटिंग कर रही थी, एडिटिंग करके मैं अपलोडिंग यानी वीडियो जो है अपलोड करके फिर मैंने कहा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बन भी नहीं पाता है फिर ब्लॉग। और अभी मैं बाहर जो है जहाँ पे मैंने वो धनिया वगैरह लगाया था, धनिया लहसुन वगैरह, उसमें पानी डाल के तुरंत आई हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पानी मैंने डाला है उसमें, वो मतलब उसकी सिंचाई की है। तो मैं दिखाती हूँ सिंचाई का वीडियो आज आप लोगों को, यानी सिंचाई का नहीं, यानी डाल के मैं पानी आ चुकी हूँ, मुझे याद ही नहीं था पानी डाल के तो मैं आ गई हूँ, तब याद ही नहीं था, नहीं तो बना लेते। और सगुन इधर जब से स्कूल से आई, खाना भी नहीं खाया उसने और अपना चार्ट बना रही है, क्योंकि उसको पहले चार्ट बनाना था, उसको याद नहीं था, उसके पास चार्ट नहीं था। तो अभी खरीद के लाई है और अभी तुरंत बना रही है, जब से स्कूल से आई तब से लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी ड्राइंग जो बना रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हाथ हटा सगुन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब से आई है तब से जो है उसी में लगी हुई है। और ये कौन सा दिखा, कौन सा बनाना है, ये तो ये बना रही है, ये देखिए। तो अभी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, उसके बाद ले चलते हैं आपको बाहर, दिखाती हूँ जो मैंने पानी डाला है, वहां भी ले चलती हूँ अभी तुरंत दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अभी पानी डाला, ये है शकरकंदी। और ये देख लीजिए, ये है धनिया, ये है मिर्ची। और जो कढ़ी पत्ता का पेड़ उस दिन मैंने लगाया था वो सूख गया पता नहीं कैसे, और ये भी नहीं बड़े हो पा रहे हैं। प्याज, प्याज भी बड़े नहीं हो रहे, पता नहीं इसकी मिट्टी नहीं सही है क्या है, देखते हैं होना होगा, होगी नहीं, नहीं होगी। हो सकेगा तो मैं बनाऊंगी आज बेसन की रोटियां, वो भी चूल्हे पे। तो चलते हैं चूल्हे को सही करते हैं, यानी कि वहाँ जो गंदा वंदा होगा साफ कर देंगे, लकड़ी वगैरह भी डाल देते हैं। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है, फिर जो है मैं आपको दिखाऊंगी आज चूल्हे पे बेसन की रोटियां बनाना। अगर हो पाएगा तो पूरा कन्फर्म नहीं हूँ पूरा, यानी कि देर हो जाती फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो देखते हैं, अगर मैं बना पाती हूँ तो आज ज़रूर आप लोगों को शायद शेयर करेंगे बेसन की रोटियाँ, और आटे की भी बनाएंगे थोड़ी सी, दोनों बनाएंगे तो दिखाऊंगी आपको। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी जो है सगुन की ड्राइंग हो गई है कंप्लीट, तो बन चुका है, जब से स्कूल से आई है इसी में लगी है। तो जाते हैं इसको खाना भी देते हैं खाने के लिए, क्योंकि अभी खाई नहीं है जब से स्कूल से आई है, तो देते हैं इसको खाना। और फ्रेंड्स, उसके बाद ये देख लीजिए बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने निकाल लिया था, प्याज और वगैरह सारा निकाल के रख लिया था कि सिर्फ बनाना ही बनाना है। ये देखिए, ये आटा गूंधा हुआ बेसन का रखा है, ये बेसन का आटा है, और ये जो है आटे का, मतलब अभी इनको पहचानो। और ये देखो भैया, व्लॉग स्टार्ट किए हैं और इधर व्लॉग स्टार्ट किए हैं बनाना ये अभी की आंटी, और ये बच्चों के चाचू जी हैं, घूम रहे हैं इधर, बच्चों के चाचा जी इधर घूम रहे हैं। और फ्रेंड्स, अभी इधर मैं छत पे चूल्हा जलाई थी आज रोटियां बनाने के लिए, तो तुरंत आ गई थी मेरी देवरानी, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो बना रही थी कि मैं सबको दिखाऊंगी कि मालती आरएस ब्लॉग जो है रोटी इधर बना रही है, तो वही फिर मुझे दिखा रही थी कि मैंने ब्लॉग बनाया, और मैं अपना चेहरा छुपा रही थी पहले ऐसे ही बस। और फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, अभी मेरा चूल्हा जल गया है, अभी मैं रोटियां भी बनाई थी, लेकिन हम लोग इन बातें कर रहे थे फिर वीडियो ही नहीं शूट किया, क्योंकि जब कोई आ जाता है बातें करते फिर वो नहीं होता है कि मैं वीडियो बनाऊं। तो वही हम लोग बस बातें कर रहे थे, रोटियां पूरी बना दी हम लोग बातें करते करते। अभी इनको पहचानो, अभी की आंटी, और ये बच्चों के चाचा जी हैं, ये घूम रहे। देख लीजिए, रोटियां मेरी बन गई थी, लेकिन फिर मेरी देवरानी आ गई थी, फिर आगे का मैं नहीं सूट कर पाई, फिर नीचे मैं आ गई हूँ। तो फिर मैंने अभी दिखाया, बच्चे खा चुके हैं, बस मेरे खाने के लिए बची हैं बस, और ख़त्म हो गई हैं। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, आज मैंने बनाया फिर से बैंगन का भरता, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था सच में। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, बैंगन का भरता बहुत ही अच्छा बना, ये देख सकते हैं आप।
और फ्रेंड्स इसमें डाल दूंगी धनिया, तो चलते हैं खाते। देख लीजिए बैंगन का भरता और रोटी, तो बेसन की रोटी, तो चलते हैं खिलाते हैं। और फ्रेंड्स अभी है नेक्स्ट डे की क्लिप, और मेरी जो देवरानी आई थी उन्हीं के घर में आज आई थी, क्योंकि उनके वहाँ मार्केट लगती है उन, तो फिर मैं वही आई थी उनके वहाँ कुछ सामान लेने, तो वहाँ भी आ गई, तो मैंने कहा कि वहाँ का भी वीडियो बना देते हैं। और फ्रेंड्स मैं वीडियो क्या, मैंने समझो छोटा मोटा होम टूर ही करवा दिया उनके घर का, पूरे घर का लुक मैंने दिखा दिया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है अच्छी बात है होम टूर करा देती हूँ, इससे अच्छी बात क्या है, तो वही मैं दिखा रही थी थोड़ा बहुत क्लिप। और ये अभी रेडी हो रही थी, मेरे साथ जाएंगी मार्केट, थोड़ा सामान लेना है मुझे, और मैं ज़्यादा मार्केट में भी सूट नहीं की, थोड़ा बहुत दिखाया है, क्या दिखाते क्योंकि जब जल्दी होता है फिर सोचते। और मंदिर ये देख लीजिए कितना प्यारा मंदिर लग रहा है इनका, और किचन फ्रेंड्स किचन तो देख ही सकते छोटा। सब्जी देखे भैया लक्ष्मी ने कैसी बनाई है, वाव मस्त। और फ्रेंड्स इधर जब मैं पहुंची थी तो खाना बन ही रहा था, तो मैं बोली कि जल्दी जल्दी से यानी बनाना है क्योंकि जाना था मार्केट, तो वही फिर वो खाना चढ़ाने के बाद जो है चली गई थी अपना नहाने के लिए। और फिर जो है ये देख लीजिए फ्रेंड्स नहा के आ गई हैं, अभी रेडी हो गई हैं, हम लोग निकलते हैं। और ज़्यादा फ्रेंड्स शॉपिंग कुछ भी नहीं किया था, बस थोड़ी बहुत जो किया था, तो आप लोग शायद अगर बना पाएंगे व्लॉग तो देखेंगे ही, अगर बन पाएगा तो दिखा देंगे, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। तो ये देख लीजिए अपना पैसे निकाल के ले जा रही हूँ फ्रेंड्स, मैं तो हाथ में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पकड़ पाती, मैं तो खो देती हूँ, लेकिन जिसकी आदत होती है वो लोग पकड़ लेते हैं। बोल रही थी मैं पर्स वगैरह कुछ भी नहीं ले जाऊँगी, बस पैसे ही हाथ में ले जाना है, तो मैंने कहा मुझसे तो खो ही जाते हैं। तो अभी ये देख लीजिए रेडी हो गए हम लोग, अगर कुछ बहुत शेयर कर पाएंगे तो करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि बाहर अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना, कुछ बहुत हो सकेगा तो बना लेंगे, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही बोल रही हूँ कोई बात नहीं। तो ये देख निकाल लिए हैं, और उसके बाद हम लोग चल रहे हैं मार्केट के लिए, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए अभी मैं आ गई हूँ मार्केट में, और ये लक्ष्मी जो है अपना पायल देख रही थी, और मुझे भी पायल जुड़वाना था तो मैंने दे दिया जुड़वाने के लिए, अभी आगे दिखाऊंगी आपको ब्लॉग में। और बिछुए भी मुझे लेने थे तो मैं वही देख रही थी, बिछुए भी मैंने पसंद किए थे, दो लिए थे, दो जोड़ी यानी कि, और पता नहीं ब्लॉग में इसमें दिखे हैं कि नहीं, हाँ एक जोड़ी मैंने दिखाया, ये वाले नहीं हैं, इसी तरह के ब्लू कलर का उसमें स्टोन है, तो वो मैंने लिया था। और उसके बाद फ्रेंड्स वहाँ कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, घर आ गई हूँ, और घर में ये वाले कड़े मैंने आगे आके लिए थे, वहाँ पे फिर नहीं लिए थे, और मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिया, बहुत ही प्यारे लग रहे थे तो मैंने कहा ले लेते हैं जो चीज़ पसंद में आ गई। और ये वाले पायल हैं जिनको जो है मुझे जुड़वाना था, और नए ही थे लेकिन मैंने कट करवाया था इनको, बड़े थे तो उसने सही से जोड़ा नहीं था, तो फिर मैं गई तो मैंने कहा जुड़वा लेते हैं इनको भी। और फ्रेंड्स हो गए तो एक साल के हैं लेकिन जो है जुड़वाए नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा पहनना ही नहीं होता ये वाले, तो फिर वही मैं जुड़वाने के लिए गई, तो मतलब बिछुए लेने के लिए गई, तो मैंने कहा इसको भी जुड़वा लेते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद मुझे फ़ोन में कवर भी लगवाना था, दोनों फ़ोन में, और दुकान वाले फ्रेंड्स इतना ज़्यादा लूटते हैं मैं क्या बताऊँ, ये वाला जो मैंने कवर लगवाया दूसरी दुकान में और दूसरे फ़ोन में दूसरी दुकान में, तो ये जो गार्ड मैंने लगवाया था अंदर का वो इसमें 40 रुपीज़ में लगाया, और जो बाहर का कवर है उसको मैंने लगवाया तो वो 100 में लगाया, यानी ये वाला ये 100 रुपीज़ में बाहर का ये कवर लगाया, और ये जो मेरा ब्लैक वाला है इसको जो है 150 में इसका कवर लगाया था, इतना ज़्यादा लूटते हैं। और ये जो गार्ड अंदर का लगवाया मैंने ये 40 रुपीज़, इसमें 50 का उसमें 40 का लगाया, तो ये इतना जो है लूटते हैं दुकान वाले, क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।